हेलो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञानकोश। वक्त है आज की कुछ बड़ी सुर्खियों पर नजर डालने का। हाई कोर्ट ने पूछा, यदि वह अमीर लड़की होती तब भी क्या शो को इस तरह जलाते? इस पर विपक्ष से कोई जवाब नहीं आया। उत्तर प्रदेश में होगी 31,277 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति, जल्द होगा जिलों का आवंटन। धोनी की बेटी को धमकी देने वाले 16 साल के आरोपी को गुजरात से किया गया गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि यह लड़का 12वीं क्लास का स्टूडेंट है। जीएसटी परिषद की सोमवार को हुई बैठक में मुआवजे के मुद्दे पर 12 राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा दिए गए समाधान को स्वीकार कर लिया, जबकि विपक्ष शासित 9 राज्य इसके लिए तैयार नहीं है। उनकी मांगों पर विचार करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने समय मांगा है। कोरोना अपडेट, 24 घंटे में मिले 54,045 नए केस, 78,194 मरीज ठीक भी हुए, 710 लोगों ने दम तोड़ा, अब तक लगभग 72 लाख संक्रमित। सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर बिहार के मुजफ्फरनगर कोर्ट ने संजय लीला भंसाली, करण जौहर, साजिद, भूषण कुमार, एकता कपूर और आदित्य चोपड़ा समेत कई लोगों को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी कर दिया है। शिकायतकर्ता अधिवक्ता सुधीर ओझा ने इन सभी को सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक 18 साल के लड़के राहुल राजपूत की सरेआम पीटकर हत्या कर दी गई। 7 अक्टूबर की रात को राहुल को कुछ अनजान लोगों ने फोन करके बाहर बुलाया, वहां उसे जमकर पीटा गया। बाद में अस्पताल में राहुल की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक राहुल के अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की से दोस्ती थी और लड़की के घर वालों को यह पसंद नहीं था। पुलिस ने मर्डर का मामला दर्ज कर लिया है। शाहरुख, सलमान, करण और आमिर समेत 34 फिल्म प्रोड्यूसरों ने लगाई हाई कोर्ट में पिटीशन, लिखा बॉलीवुड को बदनाम करने से रोका जाए। विराट सेना ने 82 रनों से जीता मैच, कोलकाता के खिलाफ बेंगलोर की अब तक की सबसे बड़ी विजय। आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना कर पाएं।